बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं आरएनएन न्यूज। कराची, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत थर कोल से मुतालिक इजलास। इजलास में सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, सेक्रेटरी तवानाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी थर कोल बोर्ड के MD तारिक शाह, DG सिंध कोल अथॉरिटी, एंग्रो एनर्जीज के CEO एहसन जफर, CEO एंग्रो गयास खान, हाउस ऑफ हबीब के सलमान हबीब और तैयब हबीब, हबको के सलीमुल्लाह, SEC MC के आमिर इकबाल और दीगर शरीक में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी SEC MC बना के 2009 प्राइवेट पार्टनर के साथ थर में कोल माइनिंग शुरू की। इस वक्त इतने चैलेंजेस थे, हर चैलेंज प्रोजेक्ट को रोक कर जा सकता था। तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए हमने कोल माइनिंग करके कोयले से बिजली पैदा की। आज वो बिजली नेशनल ग्रेड में जा रही है। फेज वन में 3.8 मैट्रिक टन सालाना निकला और इससे 660 मेगावाट बिजली पैदा की। इस वक्त 2640 मेगावाट के प्रोजेक्ट थर में काम कर रहे हैं। इस वक्त 11.8 मैट्रिक टन सालाना कोयला ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से निकालने का काम जारी है। अब सिंध हुकूमत थर के कोयले को बिजली के अलावा दीगर सेक्टर्स में इस्तेमाल करना चाहती है। सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को इजलास में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर अगर फेज 3 शुरू किया जाता है तो इसके कौम को बड़े फायदे होंगे। फेज 3 से $420 मिलियन सालाना दरामद शुदा कोयले की मद में बेचेंगे। मुल्क में सालाना $74 बिलियन पावर सेक्टर की गर्दशी कारी काम होंगे। थर कोल की रकम $27 प्रति टन कम हो जाएगी। इस हिसाब से थर कोल एनर्जी पैदा करने का सस्ता जरिया बन जाएगा। सस्ती बिजली होने से सार्फिन को सालाना $60 बिलियन का फायदा होगा। थर्ड फेज के मुकम्मल होने से सिंध हुकूमत सालाना $10 बिलियन थर कोल से रॉयल्टी में कमाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने फेज 3 कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट $15.8 बिलियन का है। कोल माइनिंग फेज 3 से कायला मुल्क के दीगर कोल बेस्ट पावर प्रोजेक्ट्स को सप्लाई किया जाएगा। इस तरह थर का कोयला मुल्क में बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन जरिया बन जाएगा। फेज 3 में कोल माइन की तौसीक करके 12.2 मैट्रिक टन सालाना कोयला निकाला जाएगा। सैयद मुराद अली शाह। लियाकतपुर, प्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक जब इंसाफ ना मिले तो इंसान मजबूर होकर क्या करता है। ये वाकया तरंडा मोहम्मद पनाह में पेश आया, जहां पर एक मजलूम बार बार DSP के पास जाकर थक गया। आखिर इंसाफ ना मिलने पर इसने अपने आप को आग लगा ली। आग लगाने वाले अब्दुल हमीद के मुताबिक चंद शरपसंद जो के इसके अजीज हैं, इन्होंने इसके घर में दाखिल होकर इनके बीवी बच्चों पर तशद्दुद किया था और इनकी जमीन पर भी काबिज हैं, जिसके खिलाफ ये बार बार थाने जाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई ना होने पर इसने ये कदम उठाया। थाना तरंडा मोहम्मद पना पुलिस DSP लियाकतपुर अफसोस का मकाम है। एक मजलूम आपको इंसाफ के लिए दरख्वास्तें देता रहा, आखिर जब इसको इंसाफ ना मिला तो इस मजलूम ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की। मजलूम के जिस्म का बेशतर हिस्सा जल गया तो आपको ख्याल आया मुकदमा दर्ज करने का। मोहतरम DPO साहब, ऐसे पुलिस अफसरान को फौरी मुअत्तल करके इन पर मुकदमा दर्ज करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार साहब नोटिस लें। कराची, स्कीम 33 के गोटों में सैवरेज का पानी जगह जगह जमा हो गया, गोटों का कोई परेशान हाल नहीं। सैवरेज के पानी से आवाम का जीना महाल हो चुका है। सैवरेज का गंदा पानी घरों में भी जमा होने लगा। गंदे पानी की वजह से घरों के मकीन भी परेशान हो गए। मासूम बच्चे बुजुर्ग इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से इलाके के सियासी और समाजी रहनुमा और इलाके मकीन का क्या कहना था कि कराची की इस स्कीम 33 के तमाम गोटों, बिलावल शाह नौरानी, शाहनवाज शर गोट, अब्दुल्ला शाहगाजी गोट, वजीर बरोही गोट, लासी गोट, अयूब गोट, फकीरा गोट, जान मोहम्मद बरोही गोट, नूर खान गोट, सकिया गोट, सैफल गोट और दीगर गोटों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। बल्दियात में 4 साल पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे और मकानी इलेक्शन में PTI के मुंतखब नुमाइंदों ने भी इलाके की तकदीर ना बदल सके। सैवरेज का निज़ाम मफलूज होने की वजह से तमाम गोट गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल चुकी हैं। सियासी समाजी रहनुमाओं ने वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और दीगर से स्कीम 33 के गोट में बुनियादी सहूलियात मुयसर करने और इलाके में डेंगू वायरस से बचाव के लिए स्प्रे करवाने का मुतालबा किया है।
कराची, कराची में एंटी करप्शन ईस्ट जोन की टीम के डीए लैंड डिपार्टमेंट में आमद। कार्रवाई ईस्ट जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर सलीम राजपर और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंसारुल हक की सरबराई में की गई है। टीम के पहुंचने पर केडीए मुलाजमीन में भगदड़ मच गई, कई मुलाजमीन दफातर से फरार हो गए। एंटी करप्शन टीम ने मतलूब रिकॉर्ड तहवील में लेना शुरू कर लिया है। कार्रवाई सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और रिश्वत वसूली की शिकायत पर की गई है। गवर्नर से निमरान इस्माइल से तर्क, प्रोड्यूसर एमरे कोंग की सरबराही में तुर्की के 6 रुकनी सकाफी वफ की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुलाकात में शाह फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डॉक्टर जुनेद अली शाह, मेंबर सूबाई असेंबली डॉक्टर इमरान अली शाह, डॉक्टर काशिफ इंसारी भी मौजूद थे। इस्लामी और पाकिस्तानी तारीख के अहम वाकयात और किरदारों पर फिल्म साजी के हवाले से तफसीले गुफ्तगू। नौजवान नस्ल को इस्लामी तारीख के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग को ब्रोए कार लाना होगा। रवायती मौजूदात से हट कर तारीखी मालूमात और हिब्बुल वतनी पर मुबनी ड्रामे और फिल्में बनाने जाने की अशद ज़रूरत है। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मी सनत को फ़रोग हासिल होगा बल्कि आवाम को तारीखी मालूमात पर मुबनी मायारी ड्रामे और फिल्में भी मुहैया की जा सकेंगी। गवर्नर सिंह,